अस्सलाम वालेकुम, मैं अली बाहर साहब के साथ मौजूद हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। उनसे पूछेंगे उनका एज एम पी ए कैसा एक्सपीरियंस और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन एज ए कैसा एक्सपीरियंस। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? हाँ, कैसा बड़े मुलाकात हुई आपसे आखिरी दफा। उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिन लोगों की आवाज़ जो है वो ताकत के हवानों तक नहीं पहुँचती। एक क्लिप बनाना है तो हमने इजाज़त ली यहाँ पे, जो कि एक मिनी क्लिप आपको दिखाया। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था, रात को हमने चमन पे एंड किया था, इसमें काफ़ी शुगर मिला था और एक दिन पे मुंतकिल था वो व्लॉग। तो अभी आज फिर सुबह उठते ही उसी के अगले दिन यानी कि रात को 4 बजे हम घर वापस गए और आज सुबह उठते ही उसी के अगले दिन 12:30 बजे हम तकरीबन 6-7 बजे सो के आज मंडे वाले दिन दोबारा उठ के सुबह बाहर आ गए। क्यों जी? वेलकम टू द व्लॉग। किधर जा रहे हैं आप? तैयार शहर हो गए सुबह सुबह, आपकी नींद ख़राब हो गए। एक जगह पे जा रहे हैं, उधर जाके आपको बताते हैं। तो जगह पे जा रहे हैं, सुबह ने क्लू दे दिए, एक जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको बताते हैं। आपने उस जगह के बारे में मेरे पिछला 1-2 व्लॉग देखा होगा, लेकिन अतफाक ऐसा है कि एक काम से रिलेटेड उस जगह पे बार बार चक्कर लग रहे हैं, तभी हम जा रहे हैं रास्ते में। तो आगे जाके फिर आपसे वहाँ पे जाके तो मिलते हैं, आप ज़रा रोड चेक करें। चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली जो कि लाहौर में है, आप तो लोग जानते होंगे। और मेरे साथ सुभान साहब मौजूद हैं जिन्होंने क्लू दिया था कि अभी हम आपको एक जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके बताएंगे। तो कैसे हैं सर आप? फिट आप से मैं ठीक ठाक हैं। कैसा एक्सपीरियंस है पंजाब असम्बली फर्स्ट टाइम आने का? अच्छा एक्सपीरियंस। तो अभी आप सामने आपकी बैकग्राउंड में सेशन लगा हुआ है, तो सेशन में जाएंगे? हाँ, अभी जिससे मिलने आए हैं उनसे मिलके फिर जाएंगे। तो आज ही अभी हम सेशन अटेंड करेंगे जो कि इस टाइम लाइव हो रहा है हमारे उस तरह हॉल में। तो अभी जिन साहब से हमने मिलना है, मलिक इकबाल साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करके तो फिर हम सेशन अटेंड करेंगे उसको, वो भी आपको दिखाएँगे इस व्लॉग में। तो स्टेटिंग आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली बाहर साहब के साथ मौजूद हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। उनसे पूछेंगे उनका एज एम पी ए कैसा एक्सपीरियंस और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन एज ए कैसा एक्सपीरियंस। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? कैसा बड़े से बाद मुलाकात हुई है आपसे, आखिरी दफ़ा कहाँ पर मुलाकात हुई थी? आखिरी दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट का जब केस था, आई थिंक 2019 की बात है। तब भी हमने केस कवर किया था, तब भी व्लॉग बनाया था लास्ट टाइम, और उसके बाद 5 साल बाद आज व्लॉग बना रहे हैं। आपको मैं पंजाब असेंबली में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा एक्सपीरियंस आपका? फर्स्ट टाइम आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया जफरबाद से और माशाल्लाह से आप MBA इलेक्ट हुए, उसके बाद आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात कि इस असेंबली का रुकन होना, इस हॉल के अंदर बैठना एक बहुत बड़ा ऑनर और एजाज़ है कि आप पंजाब की तकरीबन 4-4.5 लाख आबादी के नुमाइंदे के तौर पे इस हॉल में एंटर कर पाते हैं और उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिन लोगों की आवाज़ जो है वो ताकत के वानों तक नहीं पहुंचती। तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरे हलके की आवाम ने इस काबिल समझा, और कोशिश करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरी तरह निभाऊँ। और जो PSC है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका काम ये होता है कि जो सरकार या सरकारी अदारे अखराजात करते हैं और उन अखराजात के बाद जब उनका ऑडिट होता है और उस ऑडिट में खामियां निकलती हैं या बदनवानी की कोई रिपोर्ट आती है या ऑडिट पैराज लगते हैं, तो PSC फिर उन रिपोर्ट्स का मुआयना करके उनकी इंक्वायरी करती है या फिर वो रकम जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा हो उसकी रिकवरी करती है। तो
आज तो सूबाई असम्बली का इजलास जारी है, कल से हमारी पी एस सी की मीटिंग्स असम्बली में शुरू होंगी, जिसमें हम पंजाब की मुख्तलिफ अजला की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के अकाउंट्स जो हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स पर गौर व खोज करेंगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। नाज़रीन, अभी हम पंजाब असेंबली के जो हॉल है उसके अंदर वापस आ चुके हैं। अहमद इकबाल साहब से हमारी काफ़ी डिटेल में मुलाकात हुई। क्यों सुबान साहब जी, तकरीबन आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन अहमद इकबाल साहब से मुलाकात हुई है आज, तो 2019 में लास्ट मुलाकात हुई थी आपकी, तो कैसे लगा आपको मिलके, किस तरफ आ गए आप? सही लगा है, मतलब हम्बल पर्सन है, कैसा सॉफ्ट हार्टेड एंड हम्बल, तो कैसा एक्सपीरियंस है अब आपका पंजाब असेंबली? आपने ऑलमोस्ट असेंबली हॉल भी देखा है हमने जाके, जिसका हम आपको क्लिप दिखाएंगे, पहले आप देख चुके होंगे इस व्लॉग में, जो कि काफ़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद हमने इजाज़त ली, अपने एमपी को कहा कि हमने एक क्लिप बनाना है, तो हमने इजाज़त ली यहाँ पे, जो कि एक मिनी क्लिप आपको दिखाया हमने असेंबली हॉल का। सेशन भी देखा आज आपने फर्स्ट टाइम, सेशन तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, तो कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम पहले टीवी में देखे थे, आज लाइव देख लिया तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कैसे? पहले टीवी में हम वेट करते थे, सेशन है, कोई तरमीम हो रही है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, कोई चीज़ इलेक्ट हो रही है, कोई बंदा इलेक्ट हो रहा है, तो आज लाइव अपने सामने देखा। ऑपोजिशन का सेक्शन सेशन था वैसे, लेकिन अच्छा लगा देख के। हाँ, असेंबली का भी अच्छा टूर था। वेलकम बैक टू द व्लॉग नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टूर हमारा जो था शॉर्टली वो पसंद आया होगा। तो अभी वापस हम घर की जाने वापस जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको अगर अपडेट दे दीजिए, इस टाइम 4:40 हो चुके हैं, तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि वी आर सो टायर्ड। तो रात को हम कोई तकरीबन 6 सोए हैं, 4 हमने व्लॉग ख़त्म किए, सुबह उठ के 11:30 एक और नया व्लॉग शुरू कर दिया। क्यों जी, आज हमारी कल से व्लॉग की स्पीड बहुत तेज़ हुई हुई है, 2 में 2 दरादर आ रहे हैं, इतना ठंडा रिएक्शन। अभी बहुत थके हैं यार, 7 मैं सोया था और मैं 10 उठ गया। नहीं 10 तो नहीं उठे, 12 उठे, 11 उठे, 1 उठा हूँ, तो घर जाके सो जाना। तो अभी घर जाते हैं, घर जाके ज़रा रेस्ट करते हैं, चाय शाय पीते हैं, दिमाग खोलते हैं, खाना शाना हमने खा लिया है, तो अशारा भी खुल चुका है, सिंगल भी खुल चुका है, तो घर जाके मिलते हैं आपसे और कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग। वेलकम बैक टू द व्लॉग नाज़रीन, जैसा कि आपसे तो शाम में मुलाकात हुई थी वापसी पे गाड़ी में, तो उसके बाद घर आए हैं, ज़रा थकावट थी, आपको बताया था कि काफ़ी इट फील्स टायर्ड, तो अभी वापस आए शाम को, शावर वगैरह लिया, खाना खाया घर आके, तो चेंज किया, तो अब सोचा कि व्लॉग चेक किया, व्लॉग तो काफ़ी लंबा बन चुका था, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग बना था, क्योंकि अहमद इकबाल साहब ने अपनी एड्रेसिंग में इस व्लॉग के इंट्रो में बहुत अच्छा तारुफ दिया अपनी एज अ MPA और एज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, इंशाल्लाह एक और नए दिन में नए दाल में नई जगह पे और नए माहौल में आपसे एक और नए व्लॉग में मुलाकात तक करते हैं, तब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।